दोस्तों आज की जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका लैपटॉप सडनली चार्ज नहीं पकड़ रहा है तो आप कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद से ट्राई कर सकते हो एज ए नॉर्मल यूज़र, जिससे मोस्ट प्रोबेबली प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। मैं दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि इस वीडियो से आपके लैपटॉप की जो चार्जिंग प्रॉब्लम है वो 100% फिक्स हो जाएगा, पर आप इनको खुद से एक बार ट्राई करके ज़रूर देख सकते हो। इससे अगर प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है तो पैसे की बर्बादी डेफिनेटली नहीं होगी, आपको किसी सर्विस सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी टेक्नीशियन के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार करके देखने में क्या ही बुराई है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो दोस्तों लैपटॉप चार्ज ना होने के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पर मैं इस वीडियो में आपको 10 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिनसे ज्यादा टाइम जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाती हैं। सबसे पहले दोस्तों आप ये देख लीजिए कि लैपटॉप की जो एडेप्टर है उसकी जो पावर कॉर्ड है वो प्रॉपरली एडेप्टर के साथ कनेक्ट है या फिर नहीं। अगर ये प्लग लूज हो जाए तो ऑब्वियसली एडेप्टर को पावर नहीं मिलेगी, जिससे डेफिनेटली आपका लैपटॉप चार्ज नहीं होगा। अगर आपको ये प्लग लूज लग रही है तो आप थोड़ा सा प्रेशर देके इसको सॉकेट में एंटर कर दीजिए। अब देखिए कि चार्ज हो रहा है या फिर नहीं। अगर अब भी चार्ज नहीं हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हो कि जो ऑल आउटलेट में जो प्लग कनेक्टेड है, जो अडेप्टर की प्लग कनेक्टेड है, उसको किसी दूसरे आउटलेट में प्लग इन करके देखिए। बहुत बार क्या होता है कि जो ऑल आउटलेट है वो खराब हो जाती है या फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्विच है वो खराब हो जाती है, तो एक बार प्लग को चेंज करके ट्राई कीजिए, मे बी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बेसिकली दोस्तों जब ऐसी दिक्कत आती है ना, लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा या फिर लैपटॉप चालू नहीं हो रहा है, अगर ऐसा दिक्कत आती है तो हमारा दिमाग जो काम करना बंद कर देते हैं टेंशन के मारे। तो इसीलिए मैं आपको ऐसे छोटे छोटे टिप्स दे रहा हूँ जिनसे आपको सोचने में मदद मिलेगी। स्टिल अगर प्रॉब्लम परसिस्ट कर रहा है तब आपको ये चेक करना है कि बायोस की कोई अपडेट आई है या फिर नहीं, या फिर चिपसेट की कोई अपडेट आई है या फिर नहीं। बायोस या फिर चिपसेट की अगर आप अपडेट को चेक करना चाहते हो तो जनरली लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स बहुत सारे डिफरेंट टूल्स को अपने लैपटॉप्स में प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैं डेल का लैपटॉप यूज़ करता हूँ, इसमें एक टूल है जिसका नाम है डेल सपोर्ट असिस्ट। इस टूल के जरिए जो भी अवेलेबल ड्राइवर अपडेट्स है वो मुझे दिख जाती हैं। अगर मुझे उन अपडेट्स को करना है तो मैं कर देता हूँ, अगर नहीं करना है तो मैं उनको रहने देता हूँ। तो ऐसे टूल्स ज़्यादातर लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स प्रोवाइड करते हैं, आपको सिर्फ अपने लैपटॉप के लिए उस टूल को ढूंढना है, मे बी वो टूल पहले से ही आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा। तो अगर बायोस या फिर चिपसेट की अपडेट आई है तो आप एक बार उसको करके देखिए, मे बी प्रॉब्लम फिक्स हो जाए। बेसिकली क्या होता है कि जो पुराने ड्राइवर्स होते हैं उनमें बहुत बार कुछ ग्लीचेस रह जाती हैं, जो ग्लीचेस बाद में जाके पता चलता है जो मैन्युफैक्चरर नए अपडेट्स के जरिए फिक्स कर देते हैं। तो अपडेट्स को आप एक बार इंस्टॉल करके ट्राई कीजिए, मे बी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आपका लैपटॉप फिर से चार्ज होने लगे। अब दोस्तों मान लेते हैं कि आपने ड्राइवर को अपडेट कर दिया है या फिर आपके लैपटॉप में कोई भी अपडेट आया ही नहीं, तब आप क्या करोगे? एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, आपको जाना है डिवाइस मैनेजर में। डिवाइस मैनेजर में जाने के लिए आप सिंपली विंडोज की जो सर्च बॉक्स है वहां पर डिवाइस मैनेजर लिख दीजिए। डिवाइस मैनेजर में आप चले जाओगे, उसके बाद आपको बैटरी सेक्शन में जाना है। यहां पे आपको दो एंट्रीज दिख रही होगी, माइक्रोसॉफ्ट एसी एडेप्टर एंड माइक्रोसॉफ्ट एसीपीआई कंप्लेंट कंट्रोल मेथड बैटरी। आपको इन दोनों को एक एक करके अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली अपने लैपटॉप को करना है रीस्टार्ट। आपने अभी जो दो एंट्रीज को डिलीट किया यह है लैपटॉप की बैटरी की ड्राइवर्स। अब जब कंप्यूटर ऑन होगा ऑटोमेटिकली ये जो ड्राइवर्स है ये इंस्टॉल हो जाएगा। आप ये खुद से भी जाके चेक कर सकते हो कि इंस्टॉल हुआ है या फिर नहीं। अगर इमीडिएटली नहीं भी हुआ होगा तो थोड़ी देर बाद वो इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, अगर आपके कंप्यूटर के साथ इंटरनेट कनेक्टेड है तो। डिवाइस मैनेजर में जैसे आपको ये दो ड्राइवर्स देखने को मिल जाएगा तब आप फिर से जो अपना चार्जर है उसको प्लग इन करके देखिए कि लैपटॉप चार्ज पकड़ रहा है या फिर नहीं। मोस्ट प्रॉब्ली अब तक प्रॉब्लम फिक्स हो जाना चाहिए। अगर अब भी प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुआ है और स्टिल परसिस्ट कर रहा है तब आपको एक और छोटा सा चीज़ चेक करनी है। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लैपटॉप्स में टाइप सी चार्जर्स देखने को मिलता है। उस लैपटॉप में कोई डेडिकेटेड चार्जिंग पोर्ट नहीं होता है, एक टाइप सी पोर्ट, बहुत सारे टाइप सी पोर्ट्स होते हैं या फिर एक टाइप सी पोर्ट होता है उसके जरिए लैपटॉप जो है चार्ज होता है। अगर एक टाइप सी पोर्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मल्टीपल टाइप सी पोर्ट्स हैं तब ये ढूंढने में थोड़ा सा दिक्कत रहती है एक नए यूज़र को कि कौन सा टाइप सी पोर्ट चार्जिंग के लिए है। जनरली टाइप सी पोर्ट के बाजू में एक ऐसा निशान बना हुआ रहता है, पर अगर ये निशान नहीं है तब आप कन्फ्यूज हो जाते हो कि कौन से टाइप सी पोर्ट में मुझे चार्जर को प्लग इन करना है। अगर आप रॉन्ग टाइप सी पोर्ट में प्लग इन करते हो तो ऑब्वियसली
जो लैपटॉप है वो चार्ज नहीं होगा। USB-C के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इसमें मल्टीपल प्रोटोकॉल्स की सपोर्ट रहती है, तो कौन सा प्रोटोकॉल किस में सपोर्टेड है कौन से में नहीं है ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप एक बार लैपटॉप की जो यूज़र मैनुअल है वहाँ पे चेक कीजिए, वहाँ पे सब कुछ मेंशन रहेगी। ऑब्वियसली गलत टाइप सी पोर्ट से आपका लैपटॉप चार्ज नहीं होगा। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपका लैपटॉप टाइप सी पोर्ट के जरिए चार्ज होता है इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी जो टाइप सी चार्जर्स है उनके जरिए आप अपने लैपटॉप को चार्ज कर सकते हो। अगर आपका लैपटॉप बहुत ज़्यादा पावर हंग्री है तब एक मोबाइल फ़ोन की चार्जर डेफिनेटली आपके लैपटॉप को चार्ज नहीं कर पाएगा। अगर कर भी लेता है तो बहुत ही स्लो चार्ज करेगा और ज़्यादा चांस यही रहेगी कि वो चार्ज होगा ही नहीं। तो इसीलिए जितने वॉटेज की चार्जर रिकमेंडेड है उतने वॉटेज की चार्जर ही आप यूज़ कीजिए, और मैन्युफैक्चरर ने जैसा चार्जर प्रोवाइड किया था बिल्कुल सेम स्पेसिफिकेशन के साथ ही आप चार्जर परचेज कीजिए अगर आप आफ्टर मार्केट चार्जर परचेज कर रहे हो। एक और दिक्कत होती है दोस्तों, वो है ओवरहीटिंग। अगर आपका लैपटॉप बहुत ज़्यादा हीट हो चुकी है, आप बहुत टाइम से CPU GPU इंटेंसिव टास्क कर रहे थे जिस वजह से लैपटॉप गर्म हो चुकी है, तब ऐसा हो सकता है कि लैपटॉप चार्ज होना बंद हो जाए सडनली। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हाई टेम्परेचर में अगर आप लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करोगे, लिथियम आयन लिथियम पॉलीमर बैटरीज को चार्ज करते हो, तो जो बैटरी है वो डिग्रेड करना शुरू हो जाता है, साथ ही साथ बैटरी फटने का भी खतरा रहता है और बैटरी फूलने का खतरा भी रहता है। तो ऐसे दिक्कत ना हो, ऐसे प्रॉब्लम्स ना आए, ऐसे खतरे पैदा ना हो, इसीलिए लैपटॉप्स को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है ताकि जब भी वो ओवरहीट हो जाए वो चार्ज होना बंद हो जाए। इस टाइम पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप अपने काम को बंद कीजिए, लैपटॉप को शट डाउन कर दीजिए, कुछ टाइम के लिए लैपटॉप को रख दीजिए, जैसे ही वो ठंडा होगा फिर से चार्ज में लगा के देखिए, मोस्ट प्रॉब्ली वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो अब तक तो मैंने आपको जो सिंपल चीज़ें हैं उनके बारे में बताया, अब थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल पे बात करते हैं। अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी आपका लैपटॉप चार्ज नहीं पकड़ रहा है तब आपको अपने लैपटॉप की जो चार्जिंग कनेक्टर है उसमें एक बार देखना है कि उसमें धूल वगैरह एक्यूमुलेट हो गई है या फिर नहीं। धूल रहती है, बाल रहती हैं, ऐसे छोटे छोटे जो गंदगी है वो लैपटॉप की जो चार्जिंग कनेक्टर है उसके अंदर फंस जाती हैं, जिससे ऑब्वियसली चार्ज नहीं होगा। और बहुत बार जो चार्जिंग पिन है वो टूट जाती हैं, तो एक बार देख लीजिए कनेक्टर को अच्छे से कि उसके अंदर गंदगी तो नहीं है या फिर कोई पिन टूट तो नहीं गया है। अगर गंदगी है तो आप इसको बड़े ही आसानी से टूथपिक एंड एयरबड्स की मदद से साफ कर सकते हो, थोड़ा बहुत एयर ब्लोअर का भी सहारा ले सकते हो। अल्टीमेटली जो गंदगी है उसको आपको निकालनी है, और बहुत ही ध्यान से कीजिएगा गंदगी को निकालने के चक्कर में कोई पिन ना टूट जाए चार्जर की। एंड ऑब्वियसली अगर पिन टूट गई है तब आप खुद से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते अगर आपको काम नहीं आता है तो। अगर आपको काम आता है तो आप आराम से लैपटॉप को खोल के जो चार्जिंग का कनेक्टर है उसको बदल सकते हो, और चार्जर सेट जो कनेक्टर है अगर वो टूट गई है तब आप बड़े ही आसानी से उस कनेक्टर को काट के नया कनेक्टर भी लगा सकते हो। पर मैं आपको सलाह यही दूंगा कि अगर आपको ये काम नहीं आता है तब खुद से ट्राई मत कीजिए, अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो लैपटॉप भी जाएगा आपका, चार्जर भी जाएगा, तो आप किसी टेक्नीशियन की मदद ले लीजिएगा। अगर दोस्तों चार्जिंग पोर्ट भी खराब नहीं है, उसमें धूल भी नहीं है, या फिर अगर धूल था तो आपने साफ कर दिया, अब भी लैपटॉप चार्ज नहीं पकड़ रहा है, तब आपको जो बैटरी है लैपटॉप की उसको एक बार डिस्कनेक्ट करके लैपटॉप को चार्ज में लगा के चेक करना है कि लैपटॉप ऑन हो रही है या फिर नहीं। अगर इससे लैपटॉप ऑन हो जाती है इसका मतलब जो बैटरी है वो खराब हो चुकी है, बैटरी के अंदर जो सर्किटरी रहता है या फिर जो बैटरी खुद से है वो खराब हो चुकी है। आपको एक बैटरी पैक खरीद के लगा लेना है। अब बैटरी पैक कैसे रिप्लेस करनी है, कहाँ से खरीदना है, इसके रिगार्डिंग एक वीडियो मैंने पहले ही बनाया था, उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे रहा हूँ और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे रहा हूँ। हाउएवर आजकल बहुत सारे ऐसे लैपटॉप्स आते हैं जिनमें बैटरी रिप्लेसमेंट उतना आसान नहीं होता है, लैपटॉप की बैक कवर को खोल के बैटरी को रिप्लेस करना पड़ता है, तो वो भी कैसे करते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग भी डिटेल्स उस वीडियो में मैंने मेंशन की है, आप उसको ज़रूर से चेक कीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अगर बैटरी को निकाल देने के बाद चार्जर से लैपटॉप चालू नहीं हो रहा है इसका मतलब कि जो चार्जर है वो फॉल्टी हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों एडाप्टर की जो पावर कॉर्ड है उसमें भी बहुत बहुत दिक्कत देखने को मिलती है, तो उसको भी आपको चेक करना पड़ेगा। अब कैसे चेक करोगे, बहुत ही आसान है, एक बल्ब लीजिए, एक होल्डर लीजिए, दो वायर्स ले लीजिए और उसके जरिए एक बल्ब एंड होल्डर की एक कॉन्स्टेलेशन बना लीजिए और उससे आप चेक कीजिए। अगर बल्ब जल रहा है इसका मतलब केबल ठीक है, अगर बल्ब नहीं जल रहा है या फिर कभी कभी जल रहा है कभी कभी नहीं जल रहा है इसका मतलब है कि जो केबल है उसमें कुछ गड़बड़ है।
और अगर बल्ब जल भी रही है तब भी आप केबल को थोड़ा सा मोड़ मोड़ के कुछ इस तरीके से ट्राई करके देखिए कि कभी भी बल्ब ऑफ हो रही है या फिर नहीं। अगर कभी भी बल्ब ऑफ हो जाती है इसका मतलब कि जो केबल है वो डैमेज है। अगर दोस्तों इस केबल में दिक्कत आती है तो उसको ठीक करना बहुत ही आसान है। ये केबल्स काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, आप सिंपली उनको खरीद के लगा लीजिए और काम आपका बन जाएगा। अब चार्जर को चेक करने के लिए मैं तो ऑलवेज मल्टीमीटर को रिकमेंड करूंगा। अराउंड 19 वोल्ट आपको मल्टीमीटर के जरिए मेज़र करनी है। अगर आ रही है इसका मतलब जो चार्जर है वो ठीक है। पर अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तब आप कुछ इस तरह का एक बल्ब का यूज़ कर सकते हो। ये बेसिकली 12 वोल्ट 25 वाट की बल्ब है। जनरली ऐसे बल्ब्स कार्स या फिर बाइक्स में यूज़ होती हैं, तो ऐसा ही एक बल्ब है। कुछ 20-30 रुपए का आपको पड़ेगा। इसमें से आप सिंपली दो वायर्स निकाल लीजिए और उनको अपने लैपटॉप की जो चार्जर की प्लग है उसमें कनेक्ट करके देखिए कि जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है या फिर नहीं। अगर बल्ब ग्लो करता है इसका मतलब चार्जर ठीक है। हाउएवर लैपटॉप्स की जो चार्जर्स है वो एक जैसे नहीं होते हैं, इवन उनके आउटपुट वोल्टेजेस भी अलग अलग हो सकती हैं। तो जो 19 वोल्ट मैंने आपको बताया वो बेसिकली एक स्टैंडर्ड है, पर बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स डिफरेंट वोल्टेजेस का भी यूज़ करते हैं। तो आप एक बार चेक कर लीजिए लैपटॉप की जो चार्जर है उसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि वो कितना वोल्ट का चार्जर है। अगर उतना वोल्टेज या फिर उससे आसपास की वोल्टेज आपको चार्जर की पिन से मिल रही है इसका मतलब वो चार्जर ठीक है। यहाँ पे भी दोस्तों एक छोटा सा कैच है, हर लैपटॉप की जो चार्जिंग कनेक्टर है वो अलग होती है। तो आपको एक बार अपने लैपटॉप के हिसाब से गूगल करके देखना पड़ेगा कि कौन सा पिन उस कनेक्टर की पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। इसी के साथ एक और पिन रहती है जो रहती है आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो पिन कौन सा है। ज़रूरी नहीं है कि सभी लैपटॉप्स में ये आइडेंटिफिकेशन पिन हो, पर फिर भी कुछ में होता है। जैसे कि मेरे लैपटॉप के केस में देख सकते हो इसमें है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है और कौन सा आइडेंटिफिकेशन पिन है। बहुत बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि जो आइडेंटिफिकेशन पिन है उसमें कनेक्शन नहीं आती है, इस वजह से लैपटॉप चार्ज नहीं पकड़ता है। इवन उसमें अगर वोल्टेज अवेलेबल है, अगर चार्जिंग के जो कनेक्टर है उसमें वोल्टेज अवेलेबल भी है तब भी लैपटॉप चार्ज नहीं पकड़ता है। तो बेस्ट ऑप्शन यही है, अगर आप देख रहे हो कि ठीक से चार्ज नहीं हो रहा है आपका लैपटॉप, तो एक दूसरा चार्जर खरीद के या फिर किसी दोस्त से मांग के आप एक बार ट्राई कीजिए कि आपका लैपटॉप अब चार्ज हो रहा है या फिर नहीं। और हाँ दोस्तों एक और बात, जो लैपटॉप की चार्जर्स होती हैं उससे जो केबल आके आपके लैपटॉप की तरफ जाता है वो केबल भी बहुत बार डैमेज हो जाती है। उस केबल में जनरली 3 वायर्स होती हैं, कभी कभी 2 भी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और कुछ केसेस में जैसे कि मैंने आपको बताया एक आइडेंटिफिकेशन पिन के लिए एक वायर भी रहती है। तो अगर इनमें से कोई भी वायर ब्रेक कर जाए तो चार्ज आपका लैपटॉप नहीं पकड़ेगा। तो ये आप कैसे चेक करोगे? अगर पॉजिटिव नेगेटिव में कोई दिक्कत है तब तो आपको बल्ब टेस्टिंग से या फिर मल्टीमीटर के जरिए पता चल जाएगा। पर अगर दिक्कत सिग्नल वायर में है, जैसा कि मैंने आपको बताया जो आइडेंटिफिकेशन पिन है, अगर उसके लाइन पे कोई दिक्कत है तब आपको नॉर्मली पता नहीं चलेगा। आपको इंडिविजुअल वायर की कंटिन्यूटी टेस्टिंग करनी पड़ेगी तभी आपको पता चलेगा। तो ये थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल पे है, मुझे नहीं लगता आप में से ज़्यादातर यूज़र्स ये काम कर सकते हो। तो अगर लैपटॉप से चार्जिंग में दिक्कत आ रही है तो मैंने जो आपको नॉर्मल फिक्सेस बताया उनको ट्राई कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि चार्जर में दिक्कत है तब आप एक दूसरा चार्जर किसी से मांग के या फिर एक नया खरीद के ट्राई करके देख सकते हो, मे बी प्रॉब्लम फिक्स हो जाए। अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती है इसका मतलब लैपटॉप की जो मदरबोर्ड है उसमें कुछ खराबी आ गई है। तो ये आप खुद से नहीं कर पाओगे, आपको किसी टेक्नीशियन के पास ही जाना पड़ेगा या फिर सर्विस सेंटर में आपको अपने लैपटॉप को देना पड़ेगा। एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था कि ये सारे चीज़ें अप्लाई कर लेने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आपके लैपटॉप की जो चार्जिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ये जस्ट कुछ बेसिक ट्रबल शूटिंग टेक्निक्स हैं जिनको आपने ट्राई किया। अगर इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो बहुत ही बढ़िया, आप मुझे कमेंट करके बताना कि प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है या फिर नहीं। अगर सॉल्व नहीं होता है तब आपको सर्विस सेंटर में जाना पड़ेगा या फिर किसी टेक्नीशियन के पास जाना पड़ेगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो कहीं पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिए, पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने का सबसे नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर टैप कर दीजिए, इससे कोई जाए मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।